Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. अभी हाल ही में जो आपका जो रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग है जो अपन बात करने वाला है. रिवेल्यूशन हो गया, रिचेकिंग हो गया, रिटोटलिंग हो गया, सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है ये है जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म सबसे लास्ट में फिल करवाए जाते हैं. लेकिन सप्लीमेंट्री जिन भी बच्चों को है जो आई है तो वो बच्चे हैं जो रिवेल्यूशन और रिचेकिंग का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं अगर उनका वे वो आंसरिंग बेटर है और उनको लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है. जो उनको ऑप्टेन मार्क्स नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं उनको, तो वो है जो इन दो ऑप्शनों को यूज कर सकता है रिवेल्यूशन और रिचेकिंग के लिए. जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उससे एक या दो दिन बाद है रिवेल्यूशन और रिचेकिंग के जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसका रिजल्ट है जो समथिंग 1.5 से 2 महीने के अंदर आता है. और रही बात सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है वो लगभग रिजल्ट आने से 1 महीने बाद विद इन 1 मंथ 1.15 डेज समथिंग यहां तक है जो वो केवल और केवल फिल होना स्टार्ट होते हैं. बाकी उसके बाद है जो रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के आसपास या फिर सप्लीमेंट्री के एग्जाम के आसपास आता है. थैंक यू सो मच. अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आपको नीचे है जो कमेंट सेक्शन में है जो एक हेल्पलाइन नंबर पिन है वो आपकी है जो पूरी मदद कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच. कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. बाकी आपकी ऑफिशियली हेल्प है जो की जा सकती है नीचे. अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो, लेस मार्क हो, क्या करना चाहिए, विच वन इज बेटर सजेशन फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एल्गोरिथम, तो वो वहां पर जाकर है जो आप पूछ सकते हो और सभी समस्याओं का और समाधान होना बिल्कुल संभव है. थैंक यू सो मच.